ब्रह्मोत्रमनीश्वर आयदेश धूप कवचन सुना संग में भेजे लक्ष्मण राम पति द्वावन सीताराम पर में जाय तारका मारी चरण छुए हिलिया दारी ऋषियों के दुख करते राम पति द्वावन सीताराम जनपुरी रघुनंदन आए नगर निवासी दर्शन पाए सीता के मन भाए राम पति द्वावन सीताराम रघुनंदन ने धनुष चढ़ाया सब राजों का मान कटाया सीता ने वर पाए राम पति द्वावन सीताराम परशुराम क्रोधित हो आए दुष्ट भूख मन में हर्षाय जनक राय ने किया प्रणाम पति द्वावन सीताराम बोले लखन सुनो मुनि ज्ञानी संत नहीं होते अभिमानी मीठी वाणी बोले राम पति द्वावन सीताराम लक्ष्मण बच्चे ध्यान मत दीजो जो कुछ दंड लाश को दीजो धनुष तड़ैया मैं गुलाम पति द्वावन सीताराम लेकर के धनुष चढ़ाओ अपनी शक्ति मुझे दिखलाओ शुभ छाप चढ़ाए राम पति द्वावन सीताराम हुई उर्मिला लखे किनारी छुट्टी कीर्ति रूप सुधन व प्यारी हुई मांडवी व्रत के वाम पति द्वावन सीताराम अब पूरी रघुनंदन आए कर कर नारी मंगल गाय बारह वर्ष बिताए राम पति द्वावन सीताराम गुरु शिष्ट से आज्ञा लीनी राज तिलक की तैयारी की अल्प होंगे राजा राम पति द्वावन सीताराम कुटिल मंत्रा ने बहकाई क्या कही नहीं बात सुनाई दे दो मेरे दो वरदान पति द्वावन सीताराम मेरी विनती तुम सुन लीजो पुत्र व्रत को गति दीजो पुत प्रात मन भेजो राम पति द्वावन सीताराम धरनी गिरे भूत तत्काल लागा दिल में शूल समाना तब सुमंत बुलवाए राम पति द्वावन सीताराम राम पिता को शीश नवाए मुख से वचन कहानी जाए क्या कही वचन सुनायो राम पति द्वावन सीताराम राजा को तुम प्राण प्यारे इनके दुख करोगे सारे